तो देखिए इंतज़ार का समय समाप्त हुआ, क्लास नाइन्थ भी हमने स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्द ही क्लास टेंथ भी हम अपलोड करेंगे। तो देखिए जो जो मेन एक्सरसाइज है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करेंगे। तो हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो आपको डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। इन्होंने क्या कहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इन्होंने दे रखा है, बुक में आपको डिस्प्ले पर भी दिखाया जा रहा है, 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। उसके बाद प्रश्न इन्होंने ये कहा है, रुपया 7.50 प्रति मीटर वर्ग की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कितना पैसा लगेगा, यानी दीवार और छत को हम सफ़ेदी कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा, हमें यही बताना है। तो इसमें करेंगे क्या, हम आपको बता देते हैं। कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे फर्श का क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो जो इन्होंने दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कमरे की लंबाई, ठीक है। तो कमरे की लंबाई को L को हम डोनेट कर देते हैं यहाँ पे L से, यानी लंबाई को L से हम डोनेट कर रहे हैं, यानी लंबाई इन्होंने कितना दे रखा है बुक में आप देख सकते हैं, 5 मीटर, और यहाँ पर लिखेंगे हम चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई को हम डोनेट करेंगे यहाँ पर B से, तो चौड़ाई इन्होंने कितना दे रखा है 4 मीटर, और यहाँ पर लिखेंगे हम ऊंचाई, तो ऊंचाई को डोनेट हम करते हैं यहाँ पर H से, तो ऊंचाई इन्होंने कितना दे रखा है 3 मीटर। ये ऑलरेडी इन्होंने बुक में दे रखा है, आपको डिस्प्ले पर भी दिखाया जा रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, यानी रूल्स यानी सूत्र वही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, और यहां पे करेंगे बराबर कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल। बस आपको इतना ही समझना है, आप इतना अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रूल्स वही लगेगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है। तो रूल्स क्या मिला है यहाँ पर, 2 कोष्टक में देख लीजिए कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो सूत्र भी वही लगेगा, यानी 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL और कोष्टक बंद, और यहाँ पे देखिए घटाना है तो यहाँ साइन दे देंगे हम, और फर्श का क्षेत्रफल है यानी ऊपरी भाग को जब भी हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे LB, ठीक है। यानी LB का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 दे देते हैं पहले कोष्टक, और देखिए एल है यानी लंबाई 5 मीटर है तो यहाँ पे 5 करेंगे, गुणे बी मिला तो बी में इन्होंने दे रखा है 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं।
फिर से मिला यहाँ पर प्लस, तो हम प्लस कर देते हैं। उसके बाद फिर से मिला बी यानी चौड़ाई मिला चार, तो यहाँ पे चार करेंगे गुणे। फिर से मिला एच, तो एच में यानी ऊंचाई में 3 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। फिर से प्लस है, प्लस कर देते हैं। एच मिला यानी ऊंचाई 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 करेंगे गुणे। एल मिला यहाँ पर, तो एल में 5 मीटर है यानी ऊंचाई, तो यहाँ पे 5 हम लिख देंगे। बस कोष्टक है, कोष्टक हम बंद कर देंगे। फिर घटाना है, मिला एल, तो एल में 5 मीटर इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे। उसके बाद बी है, तो बी यानी चौड़ाई इन्होंने 4 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 4 हम लिखेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, यहाँ मीटर पे क्वेश्चन है, तो मीटर वर्ग आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम आगे अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, कोष्टक है तो हम कोष्टक दे देते हैं। अब देखिए गुणा किस में करना है, 5 से 4 में करेंगे यानी 4 से 3 में करेंगे और 3 से 5 में करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 500 को कितना मिला, 20 मिला, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस है, प्लस करेंगे। 4 से 3 कितना मिला, 12, प्लस है, प्लस करेंगे। और 3 5 कितना मिला, 15, कोष्टक बंद। माइनस है यानी घटाना हम कर देंगे, और 500 को कितना मिलेगा, 20, ठीक है। और यहाँ पर मीटर वर्ग है, तो यहाँ पर देना अनिवार्य है। तो अब क्या करना है, अवॉइड करना है यानी ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऐड करके भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले इसको तो एडिटी यहाँ पर उतार लीजिए, कोष्टक है। अब देखिए 20, 12, 15 इन तीनों को जब आप एक साथ ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो हमें मिलेगा 47। आप ऐड करके देख लीजिए और कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ पर घटाना है, और कितना मिला, 20 मीटर वर्ग, ठीक है। तो अब क्या करना है बताए थे, देखिए कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, यानी 2 से हम 47 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 7 कितना मिला, 14 का 4, ठीक है, हासिल 1 मिला, ठीक है। अब 2 चौक 8 और 1 हासिल 9 मिला। अब घटाना है यानी कितना, 20, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हम, बता देते हैं आपको, देखिए घटाकर आपको दिखाना भी पड़ेगा यहाँ पर, और ये मीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मीटर स्क्वायर यानी मीटर वर्ग। तो देखिए 94 में से 20 को जब आप घटाओगे तो हमें कितना मिलेगा, अब घटाकर देख लीजिएगा, 74 मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 74 किस में है, मीटर वर्ग में है। और यही हमारा फाइनली आंसर भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना भी पड़ेगा, हम बता देते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने क्षेत्रफल ये भी फाइंड किया है, कितना मिल गया यहाँ पर, 74 मीटर वर्ग है, ठीक है। हमने क्षेत्रफल क्या किया, ज्ञात कर लिया। तो ये तो हमारा मिल गया क्षेत्रफल, कितना मिल गया, 74 मीटर वर्ग। लेकिन प्रश्न में इन्होंने ये पूछा था 7 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर की दर से पूरे कमरे को और दीवारों को क्या करना है, सफ़ेदी करवाना, यानी 1 मीटर जब पेंट होगा तो उसका रुपया होगा 7.50। इन्होंने ऑलरेडी बुक में दे रखा है, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7.50 से हम गुणा कर देंगे किस में, 74 मीटर वर्ग में। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा भी करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय, ठीक है। तो इन्होंने
एक मीटर बर का कितना रुपया दिया था? 7.50, यानी 7.50 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपया 7.50 और गुणे हमने क्षेत्रफल कितना फाइंड किया था, ज्ञात किया था 74। तो यहाँ पर लिख देंगे 74। बस अब समझ लीजिए हमारा आंसर मिलने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.50 में जब 74 से आप गुणा करेंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हमें मिलेगा 555। ठीक है, 10.00, और यही हमारा फाइनली आंसर भी होगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 555 रुपया मिलेगा। तो देखिए हम बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 3 की, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।